भारत का दिल कमजोर है ये भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स कहते हैं। एक पैंडेमिक तो आके चली गई है, लेकिन भारत में हार्ट अटैक्स भी किसी पैंडेमिक से कम नहीं लग रहे हैं। जहां भी देखो आपको इसकी ही न्यूज दिख जाएगी। नॉर्मली लोग हार्ट अटैक को एक ओल्ड एज की डिजीज कंसिडर करते हैं, लेकिन भारत में आप देखें तो यंग लोगों में भी आजकल काफी ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि राजकोट में एक क्लास 8 की स्टूडेंट के साथ हुआ, इंदौर में 16 साल की एक बच्ची की डेथ हुई, लखनऊ में एक ब्राइड की डेथ हुई जो अपनी शादी में वरमाला के बाद स्टेज पर ही कोलैप्स कर गई, और यूपी के ही इटावा में एक ब्राइड की अपने शादी के दिन हार्ट अटैक से डेथ हुई। सिर्फ यंग लोग ही नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस और स्पोर्ट्समैन जैसे फिट लोगों के साथ भी ये केसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे आर्मी के नायक, CRPF के SI और ASI, रेसलर्स, क्रिकेटर्स और फिटनेस एंथुजियास्ट एंड एक्टर पुनीत राजकुमार, जो कि खुद भी एक प्रिवेंट प्रीमैच्योर हार्ट अटैक इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर थे, और उन्होंने कभी शराब नहीं पी, ये डेली वर्कआउट करते थे और सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस वीडियोस भी शेयर करते थे। अब एक्सपर्ट्स इन ज्यादातर केसेस में स्ट्रेस, इंटेंस वर्कआउट या वेदर को भी रिस्पॉन्सिबल बता देते हैं, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में बताने वाला हूँ हार्ट अटैक, उसके रीजंस और अटैक के केसेस में किसी की लाइफ बचाने के कुछ यूजफुल तरीके। आइए देखते हैं। जिम में वर्कआउट करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी मौत हो रही है। GST कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक आने वाले हार्ट अटैक का क्या कोरोना से कनेक्शन है? सूरत में क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से ही देर में उसकी जान चली जाती। एक ह्यूमन हार्ट का वेट ऑलमोस्ट 300 ग्राम होता है, और देखने में ये एक लार्ज फिस्ट के साइज का होता है जो आपके बॉडी में सेंटर से स्लाइटली लेफ्ट की तरफ लोकेटेड होता है। ये आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, जिससे अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचती है और वापस ये ब्लड हार्ट में वेन्स के थ्रू पहुंचता है। ह्यूमंस का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑलमोस्ट 60,000 माइल्स यानी 1,00,000 किलोमीटर लंबा होता है, और इसमें ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को एक दिन में 1,00,000 बार धड़कना पड़ता है। हार्ट के अंदर लेफ्ट और साइड में होते हैं 4 चैंबर्स, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम। ये चैंबर्स बॉडी के अलग अलग पार्ट से लो ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करते हैं, लंग्स के साथ मिलकर इसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और फिर इसे वापस पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। और हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के केसेस में यही प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड्स या लाइपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो ब्लड वेसल्स में ये ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में भी एक डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक की सिचुएशन में एक या एक से ज्यादा आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट अटैक को स्ट्रोक बोला जाता है। स्ट्रोक के केसेस में हार्ट टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलने से वो डैमेज होते हैं, और इसीलिए हर एक स्ट्रोक के बाद हार्ट थोड़ा थोड़ा डैमेज होता जाता है। वहीं कार्डियक अरेस्ट के केसेस में हार्ट पूरी तरह से पंप होना बंद हो जाता है और इसलिए लोगों की डेथ होती है। हार्ट डिजीज या जिसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कहते हैं, वो भारत के अंदर डेथ का नंबर 1 रीजन है। ऑलमोस्ट 24% यानी हर 4 में से एक डेथ इसी की वजह से होती है। 1990s में ये नंबर सिर्फ 15% था। भारत में पर 1 लाख डेथ में जितने कार्डियोवैस्कुलर केसेस होते हैं वो US या UK से 3 गुना ज्यादा है, और भारत को क्रोनिक हार्ट डिजीज की कैपिटल भी बोला जाने लगा है। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? वेल, अगर आप इसके रीजन डिटेल में देखें तो आप इसे 4 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रेडिशनल, जेनेटिक, लाइफस्टाइल और कुछ स्पेशल केसेस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल रीजंस की। ये रीजंस हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इन दोनों के होने से ही आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स इम्बेलेंस हो जाते हैं और इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं और बाकी ऑर्गन्स भी वो डैमेज हो जाते हैं, और इसी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। डायबिटीज के तरह ही एक लंबे टाइम तक अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके वॉल्व्स और आर्टरीज पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वहां के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में 41 करोड़ लोगों को डायबिटीज थी, और पूरी दुनिया में 17% डायबिटिक लोग यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। हाई बीपी को देखें तो भारत में ऑलमोस्ट 30% लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज में नंबर 33% से भी ज्यादा है, यानी कि हर 3 में से 1 अडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अब ये तो है ट्रेडिशनल रीजंस इस डिजीज के, लेकिन इसके अलावा कुछ जेनेटिक रीजंस भी हैं। एक रिसर्च ने भारत के 750 लोगों का एक जीनोमिक डीएनए सैंपल को स्टडी करके बताया कि एटलीस्ट भारत के 35 से 40% लोगों में एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन देखा गया है, जिससे उनको कार्डियोवैस्कुलर
हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्दो ये जेनेटिक वाली स्टडी से सारे रिसर्चर्स अग्री नहीं करते। एक रिसर्चर है बेंजामिन डी हॉर्न, इन्होंने 7,00,000 पेशेंट्स का डेटा स्टडी कराया और उन्होंने माना जेनेटिक म्यूटेशन से लोगों को कोरोनरी डिजीज हो सकती है, मतलब कि उनके हार्ट में ब्लड फ्लो करने वाली आर्टरीज थोड़ी नैरो हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हार्ट अटैक को डायरेक्टली जेनेटिक म्यूटेशन से लिंक कर देना इनएक्यूरेट बात होगी। अब यहाँ एक्सपर्ट्स में भले डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन एक बात से सारे एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी हार्ट हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। और अगर आप लाइफस्टाइल में देखें तो पहला बड़ा रीजन है टोबैको कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग। इसकी वजह से आपके कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लेशन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन और प्लेटलेट एक्टिविटीज का इंक्रीज हो जाना, ये सब कुछ देखा जाता है। और इसकी वजह से आपके ब्लड में इवेंचुअली क्लॉट्स बनने लगते हैं जो आपको हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाते हैं। भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, इसमें 80-90% लोग डेली कंज्यूमर्स हैं। पूरी दुनिया में स्मोकलेस टोबैको जैसे खैनी सुरती वगैरह इसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स भारत में ही हैं। टोबैको के अलावा भी फास्ट फूड एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जिससे आपकी ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल इंक्रीज होते जाते हैं। 2019 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 39% हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले लोग हार्ट रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी और अंडरवेट होने से भी हार्ट अटैक का डायरेक्टली लिंक्ड है। इनफैक्ट 2019 में ही एक सर्वे हुआ था जहां पता चला कि हार्ट अटैक आने वाले 17% लोग ओबीस थे और 16% लोग अंडरवेट थे। फूड चॉइसेस के अलावा एक बड़ा रीजन है स्लीप और स्ट्रेस। किसी एडल्ट के लिए एक हेल्दी स्लीप शेड्यूल अगर देखें तो 7-8 घंटे का होता है, लेकिन भारत के लोगों में एवरेज स्लीप टाइम 6.5 आवर्स है, यानी कि भारत के लोग आइडियल एवरेज स्लीप शेड्यूल से कम सो रहे हैं। वेकफिट वालों ने 2022 में एक ग्रेट स्लीप स्कोर कार्ड निकाला है और यहाँ इन्होंने बताया कि रात में बेड पे लेट के सोशल मीडिया स्क्रोल करने वालों का नंबर 57% से इंक्रीज हुआ है। और लैक ऑफ स्लीप एक मेजर रीजन है भारतीयों के स्ट्रेस्ड होने का भी। 74% भारतीय आज के टाइम स्ट्रेस्ड फील करते हैं और हार्वर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड स्ट्रेस की वजह से थिक हो जाता है, जिससे आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज करने लग जाओ तो आपको हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस लेवल, इन सबको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन भाई हमारे देश के लोगों की हालत यहाँ भी बेकार है। 2019 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 64% एडल्ट्स एक्सरसाइज ही नहीं करते। अच्छा वैसे आपको एक और डेटा बताता हूँ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना उसमें से 70% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, इसलिए आप इतने आलसी मत बनो भाई, एटलीस्ट अपनी फिंगर से ही एक्सरसाइज करवा लो, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। अच्छा इन रीजंस के अलावा रिसेंटली जो पैंडेमिक हुआ वो भी एक बड़ा रीजन बन के निकला है। इसको आप एक स्पेशल केस के अंडर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि भारत का दिल वर्ल्ड के कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड है। इस पैंडेमिक ने एक तरह से आप मानो आग में घी का काम किया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस वायरस की वजह से हार्ट मेनली दो तरीकों से डैमेज हुए हैं। इससे हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन हुई और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स में भी काफी इम्बैलेंस हुआ। आपको याद होगा पैंडेमिक के टाइम पर सब लोग SpO2 मीटर लगा के ऑक्सीजन चेक करते थे, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन काफी कम हो जाती थी। सिमिलरली अगर आप देखें मौसम को तो कोल्ड वेव की वजह से भी हाई बीपी और ब्लड क्लॉट्स की सिचुएशन बनती है, जिसके एग्जाम्पल आपने इसी साल देखे होंगे कानपुर या बाकी नॉर्दर्न सिटीज में। एक अगली प्रॉब्लम है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट पर इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। फोर्टिस के डॉक्टर से बताते हैं कि काफी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं किसी एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान, जो एक अनट्रेन्ड हार्ट हैंडल नहीं कर पाता। इसमें पुअर ब्रेथ कोऑर्डिनेशन से कोलेस्ट्रॉल प्लेक भी जमा होता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और ओवर एक्सर्शन की वजह से भी हार्ट मसल में इश्यूज आते हैं। तभी रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कई सारे फिटनेस एंथुसियास्ट या जिम करने वाले लोग, उनको भी हार्ट इश्यूज आए। और जिम में आजकल इंजेक्शन वाला भी कल्चर काफी चल गया है, इसकी वजह से भी आपकी हार्ट हेल्थ को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब देखो मेरा एक वीडियो देख के आप अपनी लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज कर लोगे, लेकिन कभी आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आपको उस समय पे क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। बाहर के स्कूल्स में अगर आप देखो तो करिकुलम में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अपने आप पर ज़्यादातर स्कूलों में इसमें काफ़ी कम फोकस होता है। गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चेस्ट में टाइटनेस, प्रेशर या स्क्वीजिंग फील होना, लेफ्ट आर्म में पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा कफ आना, ये काफी ज्यादा विजिबल सिम्टम्स हैं कि किसी को इस समय हार्ट अटैक आ रहा है। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो जितनी जल्दी उसे मेडिकल अटेंशन मिले उतना ही उसका लाइफ सेव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कार्डियक अरेस्ट के केसेस में तो हार्ट एकदम से पंप करना बंद कर देता है। अब सोचो एक पंप जो आपकी बॉडी में सब जगह खून पहुंचा रहा था, दिमाग में खून पहुंचा रहा था, वो एकदम से रुक गया, तो इससे आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स काम करना एकदम से बंद कर देते हैं और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट के केसेस में 10 में से 9 लोगों की डेथ
हॉस्पिटल ले जाते टाइम ही हो जाती है। और इसी डेथ के चांसेस को कम करने के लिए CPR थेरेपी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसका मतलब है हार्ट को पंप करके रीस्टार्ट करना। इसके स्टेप्स काफी इजी हैं। आपको दोनों हाथ पेशेंट के चेस्ट पर रखकर 100 से 120 बार एक मिनट में चेस्ट को कंप्रेस करना होता है, जिसकी डेप्थ 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर रिदम में होगा तभी हार्ट दोबारा पंप करना शुरू करेगा। इसके कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे देखिए और इसे सीखिए, क्योंकि कभी अचानक ऐसी सिचुएशन आती है तो तुरंत एम्बुलेंस नहीं आती, समझ नहीं आता क्या करना है। दिस कैन सेव लाइव्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।